बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि तस्बीह वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, जो हमें सऊदीया से परल की तस्बीह आई थी वो मैंने वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद हमारे एक और सब्सक्राइबर ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें मालूम हुआ कि जुलाई में मेरा बर्थडे है तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वो लेडी है, उनका नाम साइमा कादरी है, इस्लामाबाद से उन्होंने हमें तोहफा भेजा है, बहुत ही खूबसूरत तोहफा भेजा, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। लेकिन इससे पहले जो मेरे फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि हम किस तरह आपसे जो है ना वो रब्ता कर सकें कि आपको तोहफे वगैरह भेज सकें, तो उस मामले में मुंतहा बताएंगी किस तरह से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं कि हम आपको गिफ्ट किस तरीके से भेज सकते हैं, क्या तरीकेकार है। अच्छा, तो मैं सबसे पहले आपको दो तीन चीजें यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर आप गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमें हम जो है अपना एक नंबर यहाँ पर डाल देंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। आप उस नंबर को देख लीजिएगा, आप वहां पर जाके हमें मैसेज करेंगे, ठीक है, अपना बताएंगे कि आप किस सिटी से हैं और आप गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल बताएंगे। देन उसके बाद हम आपको अपने ऑफिस का जो एड्रेस है वो हम आपको बताएंगे कि आप इस एड्रेस पे बआसानी जो है वो भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री से भी मैसेजेस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से गिफ्ट जो है वो हमें भेज सकते हैं, तो उनके लिए भी यही तरीकेकार है कि वो इसी तरीके से मैसेज करेंगे और उसके बाद हम उन्हें एड्रेस बता देंगे और देन वो गिफ्ट भेज सकते हैं। और जो आंटी साइमा कादरी ने मुझे तोहफा भेजा है, उन्होंने मुझे बताया कि जो मैंने वीडियो सहाबा साद इब्ने माद रहमतुल्लाह अलैह पर जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि वो जिस सूरह की तलावत करते थे, यानी उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था तो वो एक सूरह उनको याद थी उसकी तलावत करते थे, तो जब उनकी वफात हुई अल्लाह पाक ने उनकी जनाजे पर 70,000 फरिश्ते भेजे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे और लोगों को बताया कि साद इब्ने माद के जनाजे पर 70,000 फरिश्ते आए हैं। जब आंटी साइमा कादरी ने मेरी ये वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई, मुझे भी कुरान इतना नहीं पढ़ने आता था और मैं कुरान नहीं पढ़ पाती थी, तो मैंने उस सूरह की तलावत करनी शुरू कर दी और इससे मेरे घर के हालात काफ़ी सुधरने लग गए और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन होने लग गई। उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए हम तक इतनी बड़ी चीज़ पहुंचाई तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी आपको कुछ दें। तो आइए उनका तोहफा देखते हैं। और ये वीडियो बनाने का असल मकसद जो है वो सिर्फ यही है कि साइमा कादरी आंटी, आपका जो तोहफा था वो मेरे मुझ तक पहुंच चुका है और अभी हम जो उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो आंटी साइमा कादरी ने जो मुझे तोहफे भेजे हैं वो दो सूट भेजे हैं और सूट मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग कर लिए थे क्योंकि अगर हम यहाँ करते तो बहुत कचरा वगैरह हो जाता। एक रेड कलर में भेजा है और एक सी ग्रीन है। माशाल्लाह, तो थ्री पीस है, आई थिंक थ्री पीस सूट है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मतलब कि साइड पे बहुत अच्छा है। ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा है, सबसे पहले ये दुपट्टा है, ठीक है, रेड कलर का है, बहुत ही खूबसूरत है और ये शॉल टाइप का और हमें बहुत पसंद आया आंटी ये। इसके अलावा बहुत ही छोटे छोटे से वर्क वाली है, खूबसूरत सी है, ये भी आंटी हमें बहुत पसंद आई और इन्हें वैसे भी पहले खोल लिया था, इनको बहुत पसंद आया था। तो ये सेकंड ड्रेस है जो कि अभी पिजन गर्ल खोल के दिखा रही हैं और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीन कलर है, जॉर्जेट का दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत सा, वाओ बहुत प्यारा खूबसूरत। तो इसकी शर्ट भी बहुत ही खूबसूरत सी है और से तो सबसे ज्यादा सी ग्रीन अच्छा लगा और आपको? मुझे भी सी ग्रीन ही अच्छा लगा सबसे ज्यादा। ओके, तो थैंक यू साइमा आंटी, हमें आपके दिए हुए दोनों ड्रेसेस बहुत पसंद आए हैं, थैंक यू वेरी मच। और जब ये स्टिच होंगे तो इंशाल्लाह फिर जब ये स्टिच करवाएगी तो आपको पहन के पिजन गर्ल जरूर दिखाएंगी कि वो कैसी लगेगी। थैंक यू सो मच साइमा आंटी, आपने बहुत अच्छा तोहफा दिया। इसी के साथ साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुझसे मोहब्बतें करते रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हमारा भी ख्याल और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।